नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पर से बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, जिन वीडियोस को देखकर आप अपनी खेती में काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग 2500 किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं और काफी अच्छी तरीके से अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। किसान साथियों, कुछ जरूरी सूचनाएं होती है जो आपको बताना समय पर काफी ज्यादा जरूरी होता है। किसान साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, मेरे पास एक लेटर लगा हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का यहाँ पर एक लेटर दिखाई दे रहा है। इस लेटर में इन्होंने यहाँ पर शो करे हैं 4 उर्वरक जिनके प्राइस इन्होंने बढ़ाए हैं अभी। तो इन प्राइस को मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या प्राइस है फिलहाल में, अब आगे क्या प्राइस होने वाला है, अब आगे जो प्राइस होने वाला है उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो किसान साथियों, यहाँ पर एक एक करके सारी बात समझ लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी एक बैठक हुई थी 9 सितंबर 2021 के दिन। 9 सितंबर 2021 के दिन यहाँ पर जो बैठक हुई थी, आप लेटर में साफ साफ पढ़ पा रहे हैं, पूरी स्क्रीन पर मैं शो कर दूंगा। तो इस बैठक में इन्होंने यह करा है कि जो रबी सीजन होगा उसमें इन 4 उर्वरकों का प्राइस बढ़ाया जाएगा। तो 4 उर्वरकों का प्राइस बढ़ाया जाएगा तो रबी सीजन जो हमारा स्टार्ट होता है लगभग 1 अक्टूबर से हमारा शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से शुरू होने के बाद 31 मार्च के दिन हमारा रबी सीजन ऑफ हो जाता है। तो इस दौरान इन उर्वरकों का यही प्राइस रहने वाला है। अब वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझते हैं कि NPK 12-32-16 काफी किसान इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा इस्तेमाल होता है इन 4 उर्वरकों में। जैसा कि मैं हमारे एरिया में जो हम इस्तेमाल करते हैं 12-32-16, तो इसकी अगर जो नई कीमत इन्होंने लेटर में शो करी 1700 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 1700 रुपये इन्होंने शो करी, और इसकी पुरानी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 1100 रुपये में हमको मिल जाता था, यानी सीधे 600 रुपये बढ़ गए इस पर, 100 रुपये इसके बढ़ चुके हैं। और NPK 10-26-26, अब 10-26-26 का आप यहाँ पर एक फोटो भी देख लीजिए स्क्रीन पर कैसी पैकिंग में आता है। अब 10-26-26 जो है इसका नई कीमत जो है 1475 रुपये है। और इस लेटर में मैंने देखा, उसके बाद मैंने पुराना भी एनालिसिस करा, तो मुझे पता चला कि जो पुरानी कीमत थी वो भी 1475 रुपये थी। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब दूसरा तीसरा उर्वरक यहाँ पर देख पा रहे हैं 14-35-14 की पैकिंग भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए कौन से पैकिंग में आता है। अब पैकिंग देखने के बाद इसकी नई कीमत देख पा रहे हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है 1550 रुपये में आपको ये मिलने वाला है। इसके बाद जो आपकी पुरानी जो मैं अगर आपको कीमत बताऊं इसकी, तो 1230 रुपये में आपको मिल जाता था, यानी कि 320 रुपये इस पर बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और उर्वरक है आपका अमोनियम फास्फेट सल्फेट के नाम से आता है, जिसको कई किसान 20-20-0 के नाम से पहचानते हैं, 20-20-0 के नाम से पहचानते हैं। तो इस उर्वरक की जो कीमत है, यह नई कीमत जो 1 तारीख से लागू होगी 1225 रुपये होगी, और अगर इसके पुरानी कीमत की बात करूँ तो 1050 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाता था। तो किसान साथियों, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 175 रुपये लगभग इस पर भी बढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा लेटर आप देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में आप जरा गौर करिए, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त दरें 1-10-2021 से प्रभावशील होगी। अब जो हमारा ये रेट आने वाला है 1 अक्टूबर 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 तक हमारा सेम एज इट इज रेट होने वाला है, जैसा कि आप इस लेटर में देख पा रहे हैं। किसान साथियों, ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उर्वरकों का प्राइस बढ़ता है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं जो किसान होता है उसकी जेब पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो किसान साथियों, अभी तक जो हमारा YouTube चैनल, उसमें 2500 लोगों की एक फैमिली पूरी हो चुकी है। तो किसान साथियों, अगर आप भी इस परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम